नरेंद्र मोदी देश में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ वो एक ऐसा सियासी इतिहास भी रचने जा रहे हैं जो बीजेपी का मान बढ़ाएगा। लेकिन इसी के साथ लोकसभा एक बार फिर से एक ऐसी पदवी से महरूम रहने वाला है जिसे चुनावी जनादेश ने लोकसभा को बख्शा ही नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में नई सरकार के गठन की अब बस औपचारिकताएं रह गई हैं। 17वीं लोकसभा के लिए जनादेश आने के बाद तस्वीर साफ है कि केंद्र की सत्ता में एक बार फिर से एनडीए शासन करने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक नया अध्याय भी जोड़ने जा रहे हैं। उनके नाम वो कीर्तिमान होने जा रहा है जिसकी अब बस औपचारिकताएं मात्र रह गई हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के साथ ही वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो गैर कांग्रेसी होते हुए लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभालने जा रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि एनडीए को कुल 336 सीटों पर धमाकेदार विजय हासिल हुई थी। तो वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बार फिर से 303 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि एनडीए के तमाम घटक दलों ने अब की बार रिकॉर्ड 352 सीटों पर जीत का परचम लहराया। लेकिन इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जो जनादेश आया है उसने लोकसभा से एक बार फिर से उस एक वेरी इंपॉर्टेंट शख्स की उपस्थिति को नेस्तो नाबूद कर डाला। जी हाँ, एक बार फिर 2014 की ही तरह 2019 में भी लोकसभा में ना तो कोई दल मुख्य विपक्षी कहलाने का हकदार रहेगा और ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएगा। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि देश का कोई भी विपक्षी दल मुख्य विपक्षी कहलाने के लायक बचा ही नहीं है। यहां तक कि देश की दूसरी बड़ी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस भी सम्मानजनक हार हासिल कर पाने में नाकाम साबित हुई है। सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक किसी दल को मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए कम से कम 10% सीटें जीतनी ही होती हैं। मसलन लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, उसका 10% 54.3% यानी कि राउंड ऑफ फिगर 55 सीटों की बनती है, जबकि कांग्रेस को इस बार 52 सीटें ही हासिल हुई हैं। इसके मुताबिक वो मुख्य विपक्षी बनने से 3 सीटें चूक गई है। कुछ इसी तरह का हाल कांग्रेस का 2014 के चुनाव में भी देखने को मिला था, जब उसे महज 44 सीटें ही हासिल हुई थी। उस वक्त भी कांग्रेस समेत कोई अन्य दल मुख्य विपक्षी बनने लायक आंकड़े नहीं जुटा पाया था। ऐसा होने पर 16वीं लोकसभा में भी सदन मुख्य विपक्षी दल से मरहूम रह गया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता बनाया जरूर गया था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं थे। 2019 के चुनाव में एनडीए खेमे ने जिस तूफानी अंदाज में जीत हासिल की है उससे चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले तमाम विपक्षी नेता खिसियाए हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार गठित करने वाली बीजेपी ने देश के राजनीतिक इतिहास में तो नाम दर्ज कराया ही है, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि देश की जनता मोदी नाम में आस्था भी रखती है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।